नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सीखने वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले डेरिवेटिव, हम जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट फार्मूले भी होंगे। तो डिफरेंशिएशन देखिए आप कि हमें डिफरेंशिएशन निकालना है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम कैसे करेंगे कि वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अज्यूम करेंगे, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। किसको लिख पाएंगे हम? साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, और साइन ऑफ वाई इक्वल टू एक्स है। अब यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस वाई, कॉस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन। अब डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू होगा वन अपॉन कॉस वाई। वन अपॉन कॉस वाई को आप जानते हैं, आप लिख सकते हैं वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वाई। और इसकी अगर वैल्यू रख दो आप वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस साइन वाई का वैल्यू, तो देखो साइन वाई का वैल्यू कितना है, साइन वाई का वैल्यू एक्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, विच इम्प्लाइज, जिससे पता चला डी डी एक्स ऑफ वाई। व्हाट इज वाई? तो y आप ऊपर देख लें, y इज साइन इनवर्स x, तो इट इज रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ फार्मूला, ये भी इसे एक फार्मूले की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब अगर आप चाहें तो दूसरा देखें, दूसरा भी इसी तरीके से होगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का, बिल्कुल इसी की तरह से होगा, और इसका डेरिवेटिव आएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आप जैसे मैंने इसको किया वैसे ही आप इसे भी कर सकते हैं। वाई इक्वल टू तीसरा डेरिवेटिव, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अगर आपके पास है तो ये हो जाएगा आपका tan y इज इक्वल टू एक्स। tan y का डेरिवेटिव sec स्क्वायर y dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन, और विच इम्प्लाइज dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन sec स्क्वायर y, और sec स्क्वायर वाई को लिख पाएंगे आप वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर वाई। और y की यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रख दीजिए डी डी एक्स ऑफ y का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या है आपके पास, y देखें आप ऊपर जाके, व्हाट इज y, y इज tan इनवर्स x, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, और यहाँ पर आप वैल्यू रख दें टेन वाई का, तो टेन वाई का वैल्यू है x, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपके पास डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x, ये फॉर्मूला आपके लिए बनेगा डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x का, नंबर टू। नंबर थ्री, सिमिलरली इसी तरह से आप निकाल सकेंगे सिमिलरली डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप सेल्फ निकाल सकते हैं। अब जो दो डेरिवेटिव्स इनवर्स के बचे, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, तो मैं आपको
कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव बताता हूँ, यह है फोर्थ, फिफ्थ, और सेक इनवर्स उसी के जैसा है, वो आप खुद ट्राई करिएगा। y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, आप इसको लिख सकते हैं कोसेक y इज इक्वल टू x, कोसेक y का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक y इंटू कॉट y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 1। तो dy बाई dx की वैल्यू होगी 1 अपॉन माइनस कोसेक y इंटू कॉट y, प्लस अपॉन माइनस माइनस 1 अपॉन कोसेक y, और कॉट y को आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर y माइनस 1 यूजिंग आइडेंटिटी। तो ये आपके पास आ गया डी डी एक्स ऑफ y की जगह y का वैल्यू डाल दें, तो y की जगह y का वैल्यू डाल लेंगे, तो y की जगह कोसेक इनवर्स x, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन कोसेक y, कोसेक y इज x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x। सिमिलरली यू मे ट्राई योर सेल्फ, आप स्वयं ही इसका डेरिवेटिव जो मैं आपको सेक इनवर्स x का 6 वाला है वो निकाल लीजिएगा। डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x विल बी 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो ये डेरिवेटिव सेक इनवर्स x का आप निकाल सकेंगे। तो ये सारे इनवर्स फंक्शंस के साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स से लेकर के हमने देखे सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स x के डेरिवेटिव। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो हम देखते हैं कि उनको कैसे आप डील करते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन है 1 कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स log x है और फाइंड करना है आपको dy by dx, dy by dx निकालना है, तो क्या करेंगे आप? तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स log x और इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ y, तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे कि व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये आपको मालूम है कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये यहाँ पर है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स log x, तो ये होगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ x की जगह आएगा, x की जगह log x, तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर इंटू, अब डी डी एक्स ऑफ किसका होगा यूजिंग चेन रूल, डी डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन log x का। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस log x होल स्क्वायर, और log x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x। तो फाइनली दिस विल बी योर आंसर, आपका ये आंसर होगा। अगर आपको दूसरा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2 टू द पावर x को डिफरेंशिएट करने के लिए कहेंगे कि y इक्वल टू सेक इनवर्स 2x इज गिवन और फाइंड dy by dx, dy by dx निकालिए, तो क्या करेंगे आप? तो आपको फॉर्मूले में इसका डेरिवेटिव याद हो sec inverse x का, तो what is ddx of sec inverse x, ddx of sec inverse x is 1 upon x root x square minus 1। तो इसी बेसिस पे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई मीन्स डी डी एक्स ऑफ
sec इनवर्स 2 टू द पावर x इज इक्वल टू, अब sec इनवर्स का ये फॉर्मूला 1 अपॉन 2 टू द पावर x अंडर रूट 2 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर x, तो 1 अपॉन 2 टू द पावर x ब्रैकेट सॉरी स्क्वायर रूट 2 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ दिस 2 टू द पावर x log 2, 2 टू द पावर x log 2, 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x यू कैन कैंसिल, सो दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स 2 टू द पावर x। लेकिन अगर आपके पास डेरिवेटिव कुछ इस तरह से हैं, देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि आपको पूछा गया कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करें और dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी ट्वाइस रूट ऑफ 1 माइनस ट्वाइस 2 अपॉन 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो फिर अपने लिए थोड़ी सी चिंता की बात है कि इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर इसके अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ये लाएंगे, तो इसके लिए आप सब्स्टिट्यूशन लगाना। तो सब्स्टिट्यूशन कैसा होता है, इसमें x की जगह आप रख दें साइन अल्फा, तो y इज इक्वल टू कितना होगा साइन इनवर्स 2 साइन अल्फा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन इनवर्स 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा और साइन इनवर्स साइन अल्फा इज 2 अल्फा। अब अल्फा का वैल्यू यहाँ से ले लें आप, अल्फा इज व्हाट साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, कहाँ से लिया हमने यूजिंग 1, तो ये हो गया वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो 2 विल रिमेन एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो फाइनली दिस विल बी द आंसर एंड इट इज प्रूव्ड, और इस तरह से ये प्रूव हो गया। अब अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा हो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 और आपको कहा जाए कि dy बाई डी एक्स प्रूव करिए कि माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे आप, तो स्वाभाविक है x की जगह रखेंगे cos अल्फा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स cos 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 विच इज cos इनवर्स cos 2 अल्फा विच इज 2 अल्फा और अल्फा का वैल्यू, एंड व्हाट इज अल्फा, अल्फा फ्रॉम 1 इज cos इनवर्स x, तो इट इज 2 cos इनवर्स x और उसका डेरिवेटिव होगा माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप ऐसे क्वेश्चन से डील कर रहे हो जिसमें ऐसा लिखा हो साइन इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, तो आपको इसको देख के कुछ दिमाग में आना चाहिए कि ये किसी तरह का एक फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 थीटा, तो x की जगह हम रख देंगे साइन अल्फा, तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा साइन इनवर्स कॉस 2 अल्फा। अब साइन इनवर्स के अंदर कॉस आ गया तो आपको इसको कॉस को बदलना पड़ेगा, साइन पाई बाय 2 माइनस 2 अल्फा, साइन इनवर्स के अंदर क्या है कॉस है,
तो कॉस को किस में बदल दें, साइन में बदल दें, तो ये हो जाएगा आपके पास वाई इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस टू अल्फा, और वैल्यू पाई बाय टू माइनस टू अल्फा का वैल्यू होगा साइन इनवर्स एक्स। और इससे पता चला कि इसका डिफरेंशिएशन जीरो माइनस साइन इनवर्स एक्स का टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये इस तरह से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो ये देखा आपने कि हम इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चंस सब्स्टिट्यूशन से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अब कुछ और आगे समझते हैं, क्वेश्चन सिक्स इसी तरह से एक मैं आपको ट्राई करने के लिए देता हूँ कि आप इसको सेल्फ ट्राई करिएगा, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर को, और डी वाई बाई डी एक्स होगा इसका टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, एक इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवन वाई इज इक्वल टू टेन साइन इनवर्स, यहाँ पर माइनस आएगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें भी यही आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब आप x की जगह साइन अल्फा रखेंगे, सॉरी x की जगह टेन अल्फा रखेंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और ये बनेगा साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा। ये फॉर्मूला साइन 2 अल्फा का है, और जब हम यहाँ पर tan अल्फा रखेंगे तो वो बनेगा 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, tan 2 अल्फा का फॉर्मूला। तो ये साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा में ये 2 अल्फा हो गया, 2 इंटू अल्फा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स आपका आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से देखा आपने कि ये कैसे हमने डिफरेंशिएट किया इनको। अब देखिए आगे देखते हैं, एक ऐसा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सीबीएसई में 2013 में पूछा था उसे, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वो क्या क्वेश्चन था, वो था y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 36 टू द पावर x, और dy वाई बाई डी एक्स निकालना था। तो इसको क्या लिखेंगे हम, साइन इनवर्स इस 2 टू द पावर x को लिख सकेंगे 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर x, 1 प्लस 36 को लिख सकते हैं आप 6 स्क्वायर टू द पावर x, साइन इनवर्स इसको लिखा 2 इंटू 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x, 1 प्लस 6 टू द पावर 2x, इसको लिखवाएंगे आप साइन इनवर्स 2 इंटू 6 टू द पावर x, 1 प्लस 6 टू द पावर x होल स्क्वायर। अब 6 टू द पावर x बिल्कुल उसी के जैसा हो गया, 6 टू द पावर x को क्या लिखेंगे हम, tan अल्फा। तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये सब्स्टिट्यूशन इसको नंबर 1 दे दे, साइन इनवर्स 2 tan अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो ये बना साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा, और अल्फा का वैल्यू है यहाँ से निकाल लें आप टेन इनवर्स 6 टू द पावर x, और अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे अब आप इसको तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला जो मैंने कराया है तो उससे ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 6 टू द पावर x स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ 6 टू द पावर x,
टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 6 to the power x है, तो 6 to the power x का स्क्वायर 2 into 6 to the power x का 6 to the power x log 6 अपॉन 1 प्लस 6 to the power x होल स्क्वायर मीन्स 6 to the power 2x या 36 to the power x, जो लिखना चाहें आप लिख लें। अभी मैं 6 to the power 2x लिख देता हूँ। तो दिस वॉज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2 into 2x to the power 1 into 3 to the power x प्लस अपॉन 1 प्लस 36 to the power x। ये आया क्वेश्चन CBSE 2013 में। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, इससे मिलता जुलता, जो आप खुद सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। ऐसे दो क्वेश्चन बना सकते हैं और दोनों आप सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 to the power x plus 1 अपॉन 1 माइनस 4 to the power x, इसी के जैसा बना सकते हैं और इसके जैसा ही साइन इनवर्स का भी बना सकते हैं, पर वहाँ प्लस लगाना पड़ता, लेकिन ये क्वेश्चन है और आपको dy/dx ये लेके आना है। आप सेल्फ ट्राई करना और मुझे लिख भेजना कि आपने कैसा महसूस किया, आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो। तो ये एक क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है। अब मैं आपसे आगे कुछ डिस्कशन करता हूँ कि जैसे आपके पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x-4x³ है और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका dy/dx आप प्रूव करो 3 अपॉन √1 - x² होगा। तो आप समझ गए होंगे इसमें x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन अल्फा। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 sin α - 4 sin³, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3α इज इक्वल टू 3α और फिर अल्फा की वैल्यू 3 sin inverse x। तो ये हो गया आपका dy/dx 3 अपॉन √1 - x². अगर आपके पास इसी तरह का क्वेश्चन हो जिसमें cos इनवर्स 3x-4x³ हो, तो आप इसको देख करके फार्मूला इमेजिन करो। आप x की जगह cos अल्फा मत रखने जाओ, आप x की जगह sin अल्फा ही रखो और x की जगह क्या रख दें आप sin अल्फा। तो ये क्या बन जाएगा आपका cos इनवर्स sin 3α। तो इसको आप लिख दीजिएगा cos इनवर्स cos π/2 - 3α। तो ये आ जाएगा आपका पास π/2 - 3α और π/2 - α का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू है साइन इनवर्स x, ये y आ गया। तो इससे dy/dx आ जाएगा आपके पास dy/dx 0 - 3 अपॉन √1 - x², ये आ गया आपका dy/dx -3 अपॉन √1 - x². तो इस तरीके से देखो, आप इसको डिफरेंशिएट करो। लेकिन अगर डायरेक्ट हो आपके पास क्वेश्चन जिसमें x की जगह cos अल्फा रखना हो, इसी तरह का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, या आप सारे क्वेश्चन ट्राई करिए फिर मुझे लिख बताइए। cos इनवर्स 4x³ - 3x, तो आप इसमें डायरेक्ट x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos अल्फा, और इसका dy/dx आएगा क्योंकि 4 cos³ α - 3 cos α आपका बन जाएगा cos³α। तो ये हो जाएगा -3 अपॉन √1 - x². इसी तरह से आप ये भी क्वेश्चन ट्राई करिएगा। इसमें आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x की जगह tan अल्फा। तो ये आपका बनेगा tan इनवर्स tan 3α और 3α, अल्फा का वैल्यू डाल दीजिएगा
थ्री टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स थ्री अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपने देखे कि हमने डिफ्रेंशिएट किए क्वेश्चंस जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सब्सटीट्यूशन थे, जिनमें केवल हमने सब्सटीट्यूशन लगाया और हमारा आंसर डिफरेंशिएट हो गया जो, और इजीली हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक और मैं आपको सब्सटीट्यूशन पे बेस्ड बताता हूँ। y इज इक्वल टू लिखा हुआ है tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको x की जगह क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, a tan अल्फा, x की जगह a tan अल्फा। तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस a tan अल्फा अपॉन a माइनस a tan अल्फा। a a कॉमन लें और कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा। अब टेन इनवर्स 1 प्लस टेन अल्फा 1 माइनस टेन अल्फा एक फार्मूला होता है, टेन इनवर्स टेन पाई बाय 4 प्लस अल्फा। अब टेन इनवर्स 10 हट गए, पाई बाय 4 प्लस अल्फा रहेगा। अल्फा का वैल्यू देखो यहाँ से, अल्फा का वैल्यू पहले a को नीचे ले जाएं आप, x अपॉन a इज इक्वल टू टेन अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू आएगा टेन इनवर्स x अपॉन a, तो ये y बराबर आ गया। अब dy वाई बाई डी एक्स देखिए, पाई बाय 4 का 0, टेन इनवर्स x बाय a का 1 अपॉन 1 प्लस x बाय a होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ x बाय a, एक्स बाय ए का भी डेरिवेटिव होगा विच इज 1 बाय ए। तो ये आपको इसका डेरिवेटिव मिल गया और ये भी हमने देखा कि सब्सटीट्यूशन से ही हुआ। लेकिन अगर ऐसा ही केस हो और उसमें एक, तो मैं आपको ऐसा क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 15, जो आप खुद ट्राई करना, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसमें आप एक्स की जगह टेन अल्फा लिखेंगे और फिर ये बन जाएगा टेन इनवर्स टेन पाई बाय 4 माइनस अल्फा। यहाँ पे जैसे आपका 1 प्लस 1 माइनस है, ऊपर 1 माइनस और 1 प्लस आएगा, और एक्स की जगह आप टेन अल्फा लिख करके करिए, आपका आंसर होगा इस केस में माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आप सेल्फ ट्राई करना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 16, ये खास बात बोलता हूँ मैं आपको, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आए 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, या फिर आप समझ लीजिए कि a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तब आपको x की जगह a tan अल्फा नहीं लिखना, तब आपको x की जगह cos थीटा लिखना, क्योंकि आपको उसको समझना है, cos थीटा cos अल्फा कुछ भी। तो ये जाएगा tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस cos अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा। तो ये बन जाएगा आपका टेन इनवर्स, आप रूट 1 प्लस कॉस अल्फा ध्यान दें, रूट ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा होगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो टेन इनवर्स 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, और अंडर रूट हटेगा तो हो जाएगा कॉट अल्फा बाय 2। आप लिख पाएंगे टेन इनवर्स, कॉट को लिख पाएंगे टेन पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2। अब आप अल्फा का वैल्यू रख दें और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो ये देखिए इसका डेरिवेटिव आएगा y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 1 बाय 2, अल्फा का वैल्यू रख दे, अल्फा का वैल्यू होगा कॉस इनवर्स x, तो dy वाई बाई डी एक्स होगा आपका 0 माइनस 1 बाय 2 कॉस इनवर्स का माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव। तो ये आपका आंसर है।
लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 17 ऐसा हो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, तब आपको x की जगह a कॉस अल्फा रखना होगा, क्योंकि ये a है और a कॉस अल्फा रखने से a a कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरी बेस्ट